बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे एकदम नई रेसिपी हमारे चैनल पर, बैंगन का भरता। ये बड़े बैंगन है, इसको हमने चीरा मार के ले लिया है धोकर। इसको हम भूनेंगे गैस पे, उसको इस तरह से भून लेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको हम। एकदम नरम हो जाएंगे बैंगन जब तक के। इसमें डालने के लिए हमने 7 से 8 हरी मिर्ची और 2 लहसुन की गट्टी ली है, इसको छील लिया हमने, इसको भी भूनेंगे हम। 2 प्याज लेंगे अच्छे से भून कर, और 5 टमाटर लिए हमने, इसको भी हमने ऐसे ही भून लिया है गैस पर। बैंगन हमारे भून जा रहे हैं अभी, इसको अच्छे से भूनेंगे हम पलट पलट करके। प्याज हमने बारीक काट ली है, और टमाटे को हम ग्लास से चूरा करेंगे, क्योंकि ये भुने हुए हैं इसलिए जल्दी चूरा भी हो जाएंगे। अच्छे से इसको बारीक कर लेंगे ग्लास से। ग्लास से टमाटर हमने एकदम बारीक कर लिया है। अब हम लहसुन और मिर्ची को भी गैस पे भून लेंगे, अच्छे से भुनेंगे इसको भी टमाटर और प्याज के जैसा। लहसुन और मिर्ची को भून के हमने बारीक कूट लिया है, और बैंगन को भी अच्छे से भून लिया है, इसको भी हम ग्लास से बारीक करेंगे। अच्छे गल गए ये भाप में, इसको ग्लास से अच्छे से बारीक करेंगे। ग्लास से हमने बैंगन को बारीक कर लिया है, अब इसको बघार देंगे हम। बघार के लिए हमने कढ़ाई में 3 से 4 चमचे तेल डाल के गरम के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को करके अच्छे से फ्राई, क्योंकि हमने पहले अच्छे से भून लिया इसको, अब फ्राई जल्दी से हो जाएंगी ये। अलग पलट करते रहेंगे इसको। अब इसमें हम डालेंगे कुटी लहसुन और मिर्ची, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है ये भुर्ता बैंगन का। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। इसको अच्छे से भूनेंगे हम दोनों को। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे से फ्राई हो गए हमारा मसाला। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अलग पलट करके। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चमचा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच बड़ा, और ये बैंगन का मसाला है ये भी डालेंगे हम थोड़ा सा, जिससे हमारा बैंगन का टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसको ग्लास से हम अच्छे से बारीक करेंगे मसाला, ताकि इसका पानी पूरा फूट जाए। हमारा एकदम अच्छे से हो गया है, इसमें जो अभी हम मसाले बताए आपको ये डाल देंगे आप। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, जलने नहीं देंगे इसको, हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए। मसाले अच्छे से तेल में हो गए हैं, इसमें हम बैंगन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जैसे कि हमने बैंगन 1/2 किलो लिए थे, इसमें 4 बैंगन थे। हमारे घर में 5 लोग हैं, उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और मसाला भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, और इसका थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तब तक के अच्छे से पक जाएंगे, तब जैसे कि हम उसको भूनते हैं, तो उसका पानी जो है पानी की वजह से वो गीला हो जाता है, उसका पानी पूरा सुखा लेंगे। और बहुत ही टेस्टी बनती है ये बाजरे की रोटी, ज्वारी की रोटी, या फिर गेहूँ की रोटी के साथ में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो अब 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे।
आप चाहे तो इसको जल्दी से बनाने के लिए ग्लास से भी ऐसा कर सकते हैं ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी सूख जाए। तो देखिए फ्रेंड, भुर्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसको हमने चक्कर भी देखा है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये, जैसे हम नानी दादी के ज़माने में खाते थे वैसा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।